ताइवान में 25 साल बाद सबसे बड़ा भूकंप। भूकंप के तेज झटकों से हिल गया पूरा ताइवान। 7.5 तीव्रता के भूकंप से ताइवान में भारी तबाही। ताइवान में देर रात तेज भूकंप से धरती कांप उठी। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। जो जहां था वहीं अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा। ताइवान की राजधानी ताइपे में चारों तरफ भूकंप ने तबाही मचा दी। भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही हुआलिन शहर में हुई है। क्या अस्पताल, क्या दफ्तर और क्या एयरपोर्ट, सब तबाह हो गए। सात दशमलव पांच तीव्रता के भूकंप से ताइवान में सड़क से पहाड़ों तक सिर्फ तबाही ही तबाही देखने को मिली। कहीं सड़कें जमीन में समाई हुई नजर आईं, तो कहीं पूरा पहाड़ जमींदोज होता हुआ नजर आया। भूकंप के झटके इतने ज्यादा तेज थे कि ताइवान के कई शहरों की बिजली गुल हो गई। अस्पतालों और दफ्तरों में काम ठप हो गया। कई शहरों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। ताइवान में रेलवे से लेकर हवाई सेवा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं जो लोग इमारतों में फंसे हैं, उनका रेस्क्यू भी रात से जारी है। वहीं ताइवान में भूकंप के तुरंत बाद पड़ोसी देश जापान, फिलीपींस में भी भूकंप और सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों से निचले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है।